हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी तो आप पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे, किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए। सी एंटर के बच्चे, जो बच्चे नवंबर 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है। ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं बहुत ही छोटा वीडियो रखने वाला हूँ, पूरा स्टडी प्लानर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाद में ये स्टडी प्लानर मिल जाएगा, बट पूरा वीडियो सुनना। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन से बस प्लानर डाउनलोड कर लो, क्योंकि बिना वीडियो देखे आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लानर डाउनलोड करोगे तो वो समझ में कम आएगा। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब स्टडी प्लानर बनाते वक्त मैंने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा हुआ है। पहला, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नवंबर 23 में सिर्फ ग्रुप वन दे रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नवंबर 23 में दोनों ग्रुप दे रहे होंगे और जिनके ग्रुप टू की अभी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, वो भी स्टडी प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। कब से फॉलो करेंगे? डेफिनेटली जब उनके ग्रुप टू के क्लासेस खत्म हो जाएंगे तब से वो फॉलो करेंगे। ग्रुप टू के क्लासेस कब से उनके खत्म होंगे? मैं टेंटेटिवली मान के चल रहा हूं कि 20 अगस्त तक ग्रुप टू की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास 20 अगस्त के बाद आपके पास टाइम रहेगा। तो वो सभी स्टूडेंट जिनका ग्रुप टू अभी चल रहा है, स्टडी प्लानर आपके लिए है। आप 20 अगस्त के बाद इसको फॉलो कर सकते हो और वीडियो को सेव करके रखना, बाद में ये वीडियो काम आएगा, ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका मई 23 में रिजल्ट आया बट वो क्लियर नहीं कर पाए, ये स्टडी प्लानर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है। इसका मतलब चाहे आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आपका सबसीक्वेंट अटेम्प्ट है, आपके लिए ये स्टडी प्लानर है। ये स्टडी प्लानर हर बच्चे के लिए है, जो भी बच्चा नवंबर 23 में अकाउंट्स का पेपर प्लान कर रहा है, ग्रुप वन का अकाउंट्स का। एडवांस अकाउंट्स का स्टडी प्लानर मैं अलग से लाऊंगा, आप उसके लिए जरूर वेट करिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टडी प्लानर बनाते वक्त मैं उससे पहले आपके साथ कुछ की पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें किसी भी हाल में दो बार रिवीजन करना है, एक बार बड़ा रिवीजन, बड़ा टाइम देना है, और दूसरी बार उसका 50% हमें टाइम देना है। कुछ भी हो जाए, नवंबर 23 के लिए हमें दो बार रिवीजन करना है। पहला रिवीजन हमारा 100 आवर्स का होना चाहिए। कितने आवर्स का? 100 आवर्स का होना चाहिए फर्स्ट रिवीजन आपका। अगर 100 आवर्स की बात करें और दिन में हम अगर 10 घंटे निकालते हैं, मैं 10 घंटे इफेक्टिव बोल रहा हूं, कायदे से आपको दिन में 12 से 13 घंटे निकालने चाहिए पढ़ाई के, जिससे मिनिमम आपके 10 घंटे निकल जाएं, तो आप 10 दिन आपको अलॉट करने हैं पहले रिवीजन के लिए। अच्छा जी, पहला रिवीजन अपना कब से शुरू होगा? अगस्त सितंबर मंथ से अपना शुरू हो सकता है, उन बच्चों के लिए जो बच्चों का अभी ग्रुप टू की पढ़ाई चल रहा है। पर जिन बच्चों के अभी ग्रुप टू नहीं चल रहा है, ग्रुप टू उनको देना ही नहीं है, नवंबर में वो ग्रुप वन प्लान कर रहे हैं, तो वो बच्चे अभी से ही जुलाई मंथ से ही, मतलब ये वीडियो में जिस टाइम पे बना रहा हूं जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई मंथ से ही वो उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करके 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब 100 का 120 आवर्स तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम अच्छा खासा है। सेकेंड रिवीजन आपका होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में आपका सेकेंड रिवीजन जब होगा, तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने जैसे 100 आवर्स बोले हैं, तो सेकेंड रिवीजन में आप टेंटेटिवली उसका 50% कर दो, मतलब 45 से 50 आवर्स, मतलब 4 से 5 दिन में आपको अकाउंट सेकेंड टाइम उठाना पड़ेगा अक्टूबर मंथ में। मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं बात कर रहा हूं कि 2 नवंबर को आपका जो एग्जाम है उससे पहले के 4 दिन, नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप उठाओगे जब फर्स्ट रिवीजन के, सेकेंड रिवीजन के लिए। अच्छा जी, हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, कुछ भी हो जाए हमें जब रिवीजन करना है तो हमें सब कुछ करना है, स्पेशली फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे हमें सब कुछ कवर करना है। सब कुछ मतलब सब कुछ, चाहे फिर वो आईसीआई का मॉड्यूल हो, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे वो एमटीपी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन हो। लास्ट पेपर आप अपने सीनियर से पूछ लेना जिन्होंने मई 23 दिया था, पेपर बहुत तगड़ा आया था, बहुत लेंथी पेपर आया था, बहुत कम बच्चों ने 100% मार्क्स अटेम्प्ट किए थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत तगड़ा पूछा गया था, तो आप ये गलती मत करना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंट्स का पेपर लेंथी आ सकता है, तो गलती मत करना कि आप सिलेक्टिव बेसिस पर पढ़ाई करके जाओ या लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ। सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन राइटिंग स्टडी प्लानर के अंदर। मैंने ये स्टडी प्लान बनाया है, मैंने इसके अंदर बताया है आपको कि मिनिमम से मिनिमम आपको कितने कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं राइटिंग में, पूरे पूरे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ सॉल्व करने, ये ध्यान रखना। रिफर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फॉर अनसॉल्व क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करोगे, तो उन क्वेश्चंस में कम से कम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फर्स्ट टाइम के अंदर ही रिवीजन में तुम हाईलाइट करके रख देना, ताकि सेकेंड टाइम के रिवीजन में और एग्जाम टाइम में तुम सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट देख के जाओ। मतलब फर्स्ट टाइम रिवीजन के दौरान तुम्हें क्या करना है, तुम जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे, चाहे वो सॉल्व करोगे चाहे वो अनसॉल्व ऊपर ऊपर से देखोगे, तुम हाईलाइट करते जाओगे उनके मेन मेन एडजस्टमेंट्स, या पेंसिल से लिखते जाओगे कि इस क्वेश्चन के बगल में इसका मेन एडजस्टमेंट क्या था। जिस क्वेश्चन का मेन एडजस्टमेंट कुछ नहीं था उसको कट लगा देना, ताकि मैं रिवीजन टाइम पे उस क्वेश्चन को देखूं ही ना, सेकंड रिवीजन टाइम पे देखूं ही ना। और जो जो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट से रिवीजन है, या तो
उसको हाईलाइट कर देना, तो अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ताकि सेकंड रिवीजन में और एग्जाम टाइम के थर्ड रिवीजन में तुम्हें वो टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन स्टडी प्लानर पे। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर रहा हूं और आपको बहुत मजा आ जाएगा। अगर यहां तक आ चुके हो तो प्लीज 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 लाइक का बटन प्लीज दबा दो, मजा आएगा और मुझे रियलाइज होगा कि यस बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सही में इस पर्टिकुलर स्टडी प्लानर की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, स्टडी प्लानर बनाते टाइम मैंने सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी प्लानर बनाया है और आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैंने दो टॉपिक दिए हैं छोटे छोटे, प्री पोस्ट एंड बोनस। कितने टाइम देना है आपको? फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये जो भी अपना रिवीजन है ये फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूं, तो प्री पोस्ट और बोनस का जो चैप्टर है उनको आपको तीन घंटा ऐसे देना है। मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको राइटिंग में? आपको तीन क्वेश्चन दोनों के सॉल्व करने हैं। फिर मैंने ना कुछ चैप्टर थोड़े से बड़े रख दिए, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको आपको 7 आवर्स देना है, 8 क्वेश्चन आपको मिनिमम सॉल्व करना है। इंश्योरेंस क्लेम आपका 6 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कैश फ्लो हो गया, सिंगल एंट्री हो गया। सिंगल एंट्री को मैंने जानबूझ के यहां रखा है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अपने को बैलेंस शीट पीएनएल बनाना पड़ता है, सिंगल एंट्री में भी कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पीएनएल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो लिंकिंग बैठ जाएगी आपकी। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करने में 10 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके रैपिड रिवीजंस मैंने May 23 में लिए थे और रैपिड रिवीजन में कोई बदलाव नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो रैपिड रिवीजन भी मेरा देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसको 10 घंटे, कैश फ्लो 10 घंटे, सिंगल एंट्री 6 घंटे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने, 8, 7। ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तुम्हें अगर ज्यादा करने हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात। सर हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें हमें कैसे पता चलेगा? अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास मेरी अकाउंट्स की जय बुक रखी होगी जिसके अंदर आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कवर है। ठीक है ना, तो उसमें मैंने तुम्हें एग्जाम 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 याद आया होगा, मैंने तुम्हें टिक लगाए होंगे, तो वो क्वेश्चन करने तुम्हें। बाकी जो नॉट नॉन एग्जाम क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट एग्जर्टमेंट ऊपर से देख सकते हो। जो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स नहीं है तो डेफिनेटली आपने जिस फैकल्टी से पढ़ा होगा उस फैकल्टी ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए होंगे। अच्छा सर, नहीं हमें तो सर पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। वीडियो के एंड तक रहना, मैं आपके साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा, थैंक यू तो डेफिनेटली बोल के जाओगे। हायर परचेज एक छोटा चैप्टर है पर फिर भी 6 घंटे अलॉट किए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिबेंचर दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं तो इसलिए 4-4 घंटे में हो जाने चाहिए। डिपार्टमेंटल 5 घंटे में होना चाहिए, डिपार्टमेंट और ब्रांच को मैंने साथ में रखा है, हालांकि तुम चाहो तो पहले ब्रांच कर सकते हो, डिपार्टमेंट बाद में कर सकते हो, तो ब्रांच को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों किया है आपने? यार देखो, ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा। अब क्या है कि ना, अगर मैं ब्रांच को शुरू में कर दूं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। सारी चीजें कंप्लीट कर लो और ब्रांच को क्लब करो सबसे लास्ट में, 14 आवर्स दो उसको। आप देखोगे मैंने सबसे ज्यादा टाइम ब्रांच को दिया है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस लिस्ट में सेकंड कैटेगरी में आता है और कैश फ्लो इस लिस्ट में थर्ड कैटेगरी में आता है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो ब्रांच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये तीन में मोटा मोटी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता रहा हूं तीनों के रिगार्डिंग मैंने रैपिड रिवीजन बहुत जबरदस्त डाल के रखा है, रैपिड रिवीजन से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर याद रखना, रैपिड रिवीजन अगर देख रहे हो तो वो सब मिला मुलू के ही मैंने सब घंटे लिखे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घंटे ज्यादा हो जाए और 10 दिन से ज्यादा लग जाए। कुल मिला के कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, ब्रांच में तुम्हें मिनिमम 12 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये मैंने बगल में लिख के रखे, ये शीट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम डाउनलोड कर लेना। 79 आवर्स तुम्हारे खत्म हो जाएंगे इसमें, 79 से 80 आवर्स खत्म हो जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स में। जिन लोगों का सिर्फ ग्रुप वन है वो 79 आवर्स को बढ़ा के 90 आवर्स 100 आवर्स तक कर सकते हैं। अब आते हैं AS को तुम्हें इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, चैप्टर्स को भी तुम्हें इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। ठीक है ना, AS में सबसे पहले AS 12 निपटा लो, बहुत आसान है, बहुत ही लल्लू चप्पू AS है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2.5 घंटे में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए सामने। AS 2, फिर AS 10 बहुत बड़ा AS है इसलिए 4 घंटे लगेंगे। 11 में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 16 में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 4-4 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, AS 1, AS 13, AS 3 कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम लगेगा और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम राइट सॉल्व कर रहे बिना बस ऊपर से अच्छे से देख जाओगे तो भी चलेगा। कुल मिला के 21 घंटे में तुम्हारा AS का कंटेंट हो जाना चाहिए, मतलब 79 प्लस 21, कुल मिला के तुम्हारा कंटेंट 100 आवर्स में हो जाना चाहिए, मतलब 10 डेज में होना चाहिए। ठीक है ना, अब अगर मैं AS 16 की बात करूं, 11 की बात करूं, 10 की बात करूं, जो भी बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अकाउंट्स की जय रखी है, मैं आप सबको बता दूं कि आपको पता होगा हमारा जो अकाउंट्स की जय वाला सिस्टम है उसमें आपको Volume 3 मिला होगा। Volume 3 अकाउंट्स की जय का जो होगा वो उसमें सारे AS के क्वेश्चन के साथ साथ उसके एग्जांपल भी है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको अकाउंट्स की जय मिला होगा
अकाउंट्स की जय, जैसे अपन AS16 उठा लो, ठीक है ना, AS16 उठा लो, अब ये अकाउंट्स की जय किताब है। अब इसमें ना आपको बहुत सारे क्लास एग्जांपल्स मिलेंगे, कई सारे मैंने क्लास के एग्जांपल करवाए थे, जैसे AS16 की बात करें तो हमने इतने सारे एग्जांपल कर लिए थे कि वैसे ही जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हुआ, ठीक है ना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हुआ ये रहा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में तुम्हें पता होगा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड, मैंने हर एडजस्टमेंट को मैंने कवर किया था कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, तो वो जरूर करके जाना। ऐसे हर चैप्टर में तुम्हें पता होगा कि अकाउंट्स की जय में बहुत सारा कॉन्टेंट तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काम आ जाएगा, तो ये चीज पर जरूर ध्यान देना। वापस आते हैं, तो ये शीट तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से। अब मुद्दे पे आते हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर, अबे तुम्हें कौन कौन से चीजों को चेक करना है। टॉप 101 क्वेश्चन, वो स्टूडेंट्स जिन बच्चों के पास इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं है, देखो मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं आपको डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स को एग्जाम 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 क्वेश्चन हाईलाइट करवाए, आप प्लीज कृपया करके वही क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो रेफर कर सकते हैं 101 क्वेश्चंस की लिस्ट। अरे सर ये क्या है सर, अब ये 101 क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यही एक सरप्राइज है इस नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हर क्वेश्चन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाना चाहिए, और जो मेरे स्टूडेंट है टेंशन, मतलब वो एग्जाम एग्जाम क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी यहां पर कवर हो चुके हैं, तो ये सारी पूरी लिस्ट पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाना, मजा आ जाएगा। अब तो एटलीस्ट लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो नालायक हो, ठीक है। तो टॉप 101 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, सुपर 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैंने May 23 अटेम्प्ट में सुपर 20 क्वेश्चन रिलीज किए थे, मैं उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आपका उन क्वेश्चन से जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा, तो सुपर 20 क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। इसके अलावा रैपिड रिवीजन, अगर किसी को कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और थोड़ा रिवीजन फास्ट करना है तो रैपिड रिवीजन की लिंक मिल जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास मेरी अकाउंट्स की जय बुक नहीं है और जिनको परचेज करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अकाउंट्स की जय बुक का, आपको डिस्क्रिप्शन में एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मिल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 1999 का है, सिर्फ 1999 का है, और उसके अंदर भी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको AS भी पढ़ाए जाएंगे, सारे चैप्टर 100% कोर्स है, और अकाउंट्स की जय भी मिल रही है फ्री में, अकाउंट्स की जय भी मिल रही है जिसके अंदर ICAI का मॉड्यूल पूरा, RTP, MTP, पास एग्जाम पेपर सब कवर है, तो आप वो ये दोनों भी खरीद सकते हो। अगर किसी को बुक चाहिए तो बुक परचेज कर सकता है, जिसको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स चाहिए वो 1999 का आराम से परचेज कर सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट पे, आपको इस तरीके से मिल जाएगा, आपको ये कोर्स कहां गया ये वाला कोर्स आपको 1999 का मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ AS वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है बस AS कर लें, आपने किसी फैकल्टी से पढ़ा आपको मजा नहीं आया, तो आप मेरे AS लेक्चर भी परचेज कर सकते हो 1499 के अंदर, ठीक है, उसमें भी आपको किताबें मिलेंगी, ठीक है। सो बस ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको स्टडी प्लानर बनाया ये 10 दिन का दिया है, और सेकंड स्टडी प्लानर आपका यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा, पर वो 10 दिन की जगह 5 दिन हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके आधे हो जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स उसके आधे हो जाएंगे। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, स्टडी प्लानर को फॉलो करो, अगर आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, बट अगर कोई डाउट ना हो तो कमेंट पे मुझे जरूर लिख के जाना कि इस बार अकाउंट्स में 80 पार, क्या लिख के जाओगे, अकाउंट्स में इस बार 80 पार, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से बच्चों, एडवांस अकाउंट्स के लिए भी मैं एक ऐसा स्टडी प्लानर जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।